जनकपुरी समिति के पदाधिकारी ने डीजी महाराजा न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान बताया कि इस बार संजय पैलेस में सजने वाली जनकपुरी को राम मंदिर की तरह बनाया जा रहा है, जिसको लेकर समिति की ओर से तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। कुछ ही दिनों के अंदर संजय प्लेस में जनक महल बनकर तैयार हो जाएगा। इस बार जनकपुरी में पहले की अपेक्षा और भी आकर्षण के केंद्र रहेंगे। वहीं समिति के पदाधिकारी को प्रशासन की ओर से पूर्ण सहयोग मिल रहा है। इसी वर्ष जो हमारा हिंदू वर्ष है अभी खत्म नहीं हुआ, इसी वर्ष राम जन्मभूमि राम मंदिर अयोध्या बनने जा रहा है। उसी की तर्ज पे पूरा जनक महल बनेगा, है कि, और बहुत भव्य बनेगा। जैसे ही वहाँ पे लोगों को अनुभव होगा कि जो अयोध्या नहीं जा पाएंगे वो पहले ही यहाँ पर राम मंदिर का दर्शन कर लेंगे, रामलला के दर्शन करेंगे और स्वरूप स्वरूप भगवान राम के वहाँ दर्शन करेंगे। बहुत भव्य बना रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ हमारे विकास कार्यों में बहुत तेज़ी चल रही है। जनक महल जो बन रहा है उसमें भी बहुत तेज़ी चल रही है और बाकी के मैं समझता हूँ जी 5-6 अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, इसमें बहुत कुछ नया रहेगा। अब के हम लोग जैसे ही 11 तारीख को हमारे जो भक्त आएंगे उनको फूलों से या फूलों की वर्षा होगी, उससे उनका हम स्वागत करेंगे और पूरी कोशिश की जा रही है कि सुरक्षा की व्यवस्था बहुत अच्छी रहे। क्योंकि हम लोग देखते हैं, हर आदमी कहता है कि इतनी भीड़ में हम जाना पसंद नहीं करेंगे। अगर हम अच्छी सुविधा कर देंगे तो जो अपर क्लास लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, वो भी अपने पूरे दमखम से आएँ, पूरे अच्छे तरीके से आएँ, तो निश्चित रूप से। और अब के इतने भव्य इलेक्ट्रिक के गेट, वैसे गेट, झांकियाँ बहुत सुंदर सुंदर, अद्भुत मंच, मंच पे भी बहुत रंगारंग कार्यक्रम, बहुत कुछ देखने को मिलेगा, मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। देखिए, हम कुछ झांकियाँ हैं जो नई तरह की झांकियाँ हमने, ये कलकत्ता से आए हुए हैं, यहाँ बैठे हैं, और उसमें चंद्रयान 3 की भी झांकी है और भी लाइव झांकियाँ हैं जो अभी कहीं नहीं लगी हैं, उस तरह की झांकियाँ भी हम लगवा रहे हैं। और एक विशेष तौर से जो पुरानी हमारी संस्कृति है, लोग उनके लोकगीत हैं और जो विवाह के समय पर शादियों में गाए जाते हैं, गारियाँ गाई जाती हैं, और इस तरह के बहुत सारे जो गाँव देहात में और संस्कृति में कार्यक्रम होते आए हैं वो जो शहर आते आते लुप्त होते जा रहे हैं, उस तरह की विधा को हम दोबारा से जीवित करते हुए विशेष कलाकार देहात से कुछ महिलाएं बुला रहे हैं जो उस तरह के गाने और कार्यक्रम लगातार उनको मंच देंगे, वो गाएंगी। ये सजने वाली है। 94 के बाद हमको मौका मिला है जनकपुरी सजाने का और संजय पैलेस के जो वासी हैं सब तन मन धन से पूरा सहयोग कर रहे हैं और इस कार्य में लगे हुए हैं कि वो चाहते हैं कि जनकपुरी इस बार इस तरह की सजे कि शायद इससे पहले ना सजी हो, ऐसा प्रयास है। और राम जी की कृपा से हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही होगा। प्रॉपर काम चल रहा है, कुछ समय नहीं बचा है, हमेशा इसी तरह से कार्य होता है। जिस समय जैसे जैसे समय पास आता है, कहीं भी कोई ब्याह शादी हो, कोई फंक्शन हो, स्पीड जब भी पकड़ता है, जब जितनी डेट नज़दीक आती है, पहले प्लानिंग होती है, वो लोगों को नज़र नहीं आती है, वो कार्यकारी कमेटी को मालूम होता है क्या प्लान है, प्लानिंग पूरी हो चुकी है, अब वो सामने आ रही है, तो आप बिल्कुल फिक्र ना करें, टाइम पर आपको जनकपुरी बिल्कुल तैयार मिलेगी राम जी का स्वागत करने के लिए।